HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉलीवुड में खतरनाक डायनासोर पर कई फिल्में बना चुकी है। वैज्ञानिक भी उनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो डायनासोर को सिर्फ कोरी कल्पना समझते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी सोच शायद बदल जाए। कनाडा में नादसोर नाम के एक डायनासोर को 110 मिलियन सालों बाद खोजा गया है। 2011 में ऑपरेटर शॉन फंक अल्बर्टा की एक एनर्जी कंपनी में काम करते थे। कच्चे तेल के लिए खुदाई करते वक्त उन्हें अखरोट जैसे रंग की पसलियां दिखाई दी। वो कुछ ऐसा था जिसे शॉन ने पहले कभी नहीं देखा था। तब उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने डायनासोर को ढूंढा है। 5.5 मीटर लंबे इस जानवर को सबसे पहली बार 2011 में खोजा गया था। माना जा रहा है कि इस डायनासोर का वजन लगभग 1300 किलो रहा होगा। सेलेब ब्राउन रॉयल टिरल म्यूजियम के वैज्ञानिक ने कहा कि इस डायनासोर को इतिहास याद रखेगा। ये दरअसल डायनासोर का मोनालिसा है। रिसर्चर्स ने इस जीव की स्किन की जांच करने पर पाया कि ये शाकाहारी डायनासोर मांस खाने वाले डायनासोर का शिकार बना होगा। वैज्ञानिक इस डायनासोर पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसकी जिंदगी के बारे में कई नए पहलुओं का अंदाजा लगाया जा सके।